आज हम भारत के एक ऐसे शहर के बारे में बात कर रहे हैं जो एक नहीं बल्कि दो दो राज्यों की राजधानी है, और यही वजह है कि इस शहर में दो राज्यों का कल्चर देखने को मिलता है। ये शहर अपना वास्तुकला के साथ साथ अपनी प्लानिंग के कारण भी प्रसिद्ध है, और इसे भारत की पहली वेल प्लेन्ड सिटी होने का दर्जा भी प्राप्त है। इस शहर में 1600 से ज्यादा प्रकार के गुलाब के फूल देखे जाते हैं, और भारत का सबसे खुशहाल और साफ सुथरा शहर है ये। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे डिसिप्लिन्ड शहर चंडीगढ़ के बारे में, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं चंडीगढ़ की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दो ही अपना राजधानी मानते हैं, लेकिन चंडीगढ़ ना तो कोई स्वतंत्र राज्य है और ना ही किसी राज्य के अंतर्गत आता है। दरअसल ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। बचपन से आप स्कूल में पढ़ते भी आए होंगे कि पहले ये 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक था, लेकिन अब भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। सन 1947 तक पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन भारत की आजादी और विभाजन के बाद लाहौर वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। पंजाब को एक नई राजधानी शहर की जरूरत थी। आपको बता दें कि उस समय तक पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा एक ही राज्य हुआ करते थे। फिर सन 1948 में एक नए शहर बनाने की योजना हुई। चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ड्रीम सिटी थी। सन 1950 में इस शहर को बसाने का काम शुरू किया गया। जब तक ये शहर बनकर तैयार नहीं हुआ, उतने समय तक के लिए शिमला को पंजाब की राजधानी बनाया गया। पहले अमेरिकन आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर को इस शहर के डिजाइनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन बाद में उनकी प्लानिंग रद्द करके ये काम फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर को सौंप दिया गया, और आज भी ली कार्बूजियर को ही चंडीगढ़ का वास्तुकार माना जाता है। इसीलिए चंडीगढ़ में कई जगह फ्रेंच आर्किटेक्ट की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, पूरे चंडीगढ़ में 60 से अधिक सेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें सेक्टर 13 का नाम शामिल नहीं, क्योंकि फ्रेंच लोग नंबर 13 को बेहद अशुभ मानते हैं, और इसीलिए आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने 13 नंबर का सेक्टर बनाया ही नहीं। भारत में भी कई जगह पर इस नंबर को अशुभ माना जाता है, लेकिन चंडीगढ़ के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। सन 1960 में चंडीगढ़ बनकर तैयार हो गया था, और इसी साल इसे पंजाब की राजधानी घोषित कर दिया गया। वहीं सन 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था। दोनों ही राज्यों ने चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाने की बात की, और तब से लेकर आज तक चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी बनी हुई है। सन 1972 में हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग हो गया था। आज के समय में चंडीगढ़ की कुल आबादी 12 लाख के आसपास है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग चंडीगढ़ आकर बसे हैं, इसीलिए यहाँ की संस्कृति और परंपरा में एक मिश्रण दिखता है। वहीं इसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। वहीं जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में चंडीगढ़ का नाम भारत के टॉप शहरों की सूची में आता है। चंडीगढ़ में लोगों की औसतन प्रति व्यक्ति आय 3,45,000 है। वहीं पूरे शहर की जीडीपी $5.5 बिलियन। आपको बता दें कि चंडीगढ़ शहर अपने डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए काफी प्रसिद्ध है। आज के तारीख में इस छोटे से शहर में 200 से ज्यादा स्कूल और लगभग 190 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जहां पर भारत के कोने कोने से बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। चंडीगढ़ के लोग खुद भी पढ़ाई लिखाई की ओर काफी ध्यान देते हैं, और इसीलिए आज इस शहर का लिटरेसी रेट लगभग 90% के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं, चंडीगढ़ को भारत की पहली प्लांट सिटी होने का दर्जा भी प्राप्त है। चंडीगढ़ भारत के सबसे हरे भरे शहर के रूप में सम्मानित है। शहर के विकास के दौरान वृक्षारोपण यहाँ की एक महत्वपूर्ण योजना थी, और यहाँ पेड़ पौधों की कई प्रजातियाँ हैं। शायद ही आपको पता हो इस बात का कि चंडीगढ़ को एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चंडीगढ़ शहर को द सिटी ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। इंसान के फेफड़ों वाली जगह पर शहर में हरे भरे जंगल है, वहीं दिमाग वाली जगह एजुकेशन संस्थानों ली हुई है। चंडीगढ़ का दिल सेक्टर 17 को कहा जाता है। पूरे शहर में सबसे ज्यादा मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, रेस्टोरेंट, पब्स, बार्स, नाइट क्लब्स आपको इसी सेक्टर में देखने को मिलेंगे। अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो चंडीगढ़ बेस्ट डेस्टिनेशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चंडीगढ़ भारत के टॉप शहरों में आता है। साल 2015 में चंडीगढ़ को हैप्पीएस्ट सिटी का भी दर्जा दिया गया। 2016 में बीबीसी ने इसे रहने के लिहाज से एक परफेक्ट सिटी माना। एक सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ में रहने वाले लोग भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से अधिक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। इसे भारत की ग्रीन सिटी होने का दर्जा भी प्राप्त है। साथ ही दुनिया में चंडीगढ़ को अपनी सुंदरता, सफाई और हरियाली के कारण सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। चंडीगढ़ के तापमान में काफी उतार चढ़ाव रहता है। सर्दियों के समय यहाँ का तापमान -2 डिग्री तक चला जाता है। हालांकि यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती, वहीं गर्मियों में इस शहर का तापमान 45 से 50 तक भी पहुँच जाता है। यानी इस शहर में सर्दी और गर्मी दोनों ही अच्छे लेवल की पड़ती है। अगर बात करें यहाँ की बोली की, तो चंडीगढ़ में लगभग 73% लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं 23% लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। चंडीगढ़ के पास हरियाणा का पंचकुला शहर है और पंजाब का मोहाली पड़ता है। इन तीनों शहरों को ट्राई सिटी भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारत में सबसे सख्त ट्रैफिक नियम चंडीगढ़ में ही देखे जाते हैं। वैसे तो यहाँ के ज्यादातर चौराहे रेड लाइट फ्री है, लेकिन जहाँ पर रेड लाइट है वहाँ भी कोई इंसान सिग्नल जंप करने की हिम्मत नहीं रखता। आधी रात को भी लोग यहाँ गलत साइड में यात्रा नहीं करते। रात के समय में हाई बीम पर गाड़ी चलाने पर भी फाइन भरना पड़ता है। ये नियम भारत के अन्य शहरों में भी लागू होना चाहिए। चंडीगढ़ को एक
स्मोक फ्री सिटी होने का भी दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर किसी भी पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना कानूनी जुर्म है। ये तो आपको पता ही चल गया कि चंडीगढ़ में तीन तीन राज्यों का हस्तक्षेप रहता है। चूंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका भी अहम होती है। और यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी रहते हैं। दोस्तों, भारत के कई शहरों में चौराहों पर अक्सर महान स्वतंत्रता सेनानियों, नेताओं या अन्य लोगों की मूर्तियां लगी दिखती है, लेकिन चंडीगढ़ में किसी भी चौराहे पर किसी भी व्यक्ति की फोटो देखने को नहीं मिलेगी। ये शर्त फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बुज़िए ने शहर की प्लानिंग करने से पहले रखी थी। चंडीगढ़ में ज्यादातर सड़कों पर साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक बना हुआ है और लोग धीरे धीरे इस शहर में साइकिल को बढ़ावा दे रहे हैं। इतनी बार चंडीगढ़ का नाम सुनने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ ही क्यों रखा गया और ये नाम आया कहां से। असल में चंडीगढ़ का मतलब होता है चंडी का किला। ये नाम चंडीगढ़ के प्रसिद्ध प्राचीन चंडी माता के मंदिर से लिया गया है। ये मंदिर चंडीगढ़ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। चंडीगढ़ के शहर के बीच में एक ओपन हैंड का सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल को चंडीगढ़ की पहचान माना जाता है और इसका मतलब होता है शांति, समृद्धि और एकता। चंडीगढ़ शहर समुद्र तट से 365 मीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ों के नजदीक होने के कारण शाम के समय अक्सर यहाँ ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है। कई मायनों से चंडीगढ़ को भारत का बेस्ट शहर माना जाता है। यहाँ की प्लानिंग और एजुकेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। चंडीगढ़ के बारे में एक और बात जो आपको अजीब लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल चंडीगढ़ में लोकसभा या विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा धूम यूनिवर्सिटी इलेक्शन के दौरान रहती है। जब भी कॉलेजेस में चुनाव होते हैं तो पूरा शहर एक अलग ही रंग में नजर आता है। उस समय युवाओं को आंखों में एक अलग ही उत्साह, जोश और उमंग नजर आता है। चंडीगढ़ में आम का पेड़ यहाँ का सबसे प्रमुख पेड़ है। हालांकि इसके अलावा जगह जगह आपको बरगद, अशोक, कैसिया, शहतूत और यूकेलिप्टस के पेड़ पौधे ही नजर आएंगे। चंडीगढ़ में हर साल मैंगो फेस्टिवल और रोज फेस्टिवल जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मैंगो फेस्टिवल में आप सैकड़ों किस्म के आम को टेस्ट कर सकते हैं, वहीं रोज फेस्टिवल के दौरान हजारों तरह के गुलाब के फूल आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ शहर अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रकार के लोकगीत और नृत्य प्रसिद्ध है। गिद्धा, सम्मी, भांगड़ा, तियान, झूमर, कटका, धमाल आदि यहाँ के प्रसिद्ध नृत्यों के नाम है। चलिए अब बात करते हैं चंडीगढ़ के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। इस छोटे से शहर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। सुखना लेक यहाँ की सबसे प्रसिद्ध लेक है। ये एक मानव निर्मित झील है जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। साथ ही लेक के बाहर मिलने वाले नारियल पानी का भी अलग ही स्वाद आपको मिलेगा। इसके अलावा कई प्रकार के स्वीट फूड्स भी आपको इसी जगह मिल जाएंगे। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक और आकर्षण का केंद्र है। ये पूरा पार्क वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर आप कभी चंडीगढ़ जाए तो यहाँ पर बने रोज गार्डन की सैर करना बिल्कुल मत भूलिए। रोज गार्डन का पूरा नाम जाकिर हुसैन रोज गार्डन है। इस गार्डन में 1600 से भी ज्यादा प्रकार के गुलाब के फूलों की प्रजातियाँ देखने को मिलती है। यहाँ आकर फूलों की ताजा खुशबू आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में राजेंद्र पार्क, लेजर वैली, बोगनवेलिया गार्डन, जापानी गार्डन, गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस आदि मुख्य पार्क है। इसके अलावा साहित्य और कला के क्षेत्र में चंडीगढ़ शहर काफी आगे है। अगर आपको भी साहित्य और कला में रुचि है तो चंडीगढ़ में मौजूद साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, कल्चरल कॉम्प्लेक्स और प्राचीन कला केंद्र जैसे मुख्य संस्थानों की सैर कर सकते हैं। साथ ही चंडीगढ़ की शान ओपन हैंड म्यूजियम देखना ना भूले। चंडीगढ़ में बने द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे साल 2016 में यूनेस्को ने अमूल्य धरोहर की सूची में शामिल किया। इसके अलावा यहाँ पर सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ आप विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। सेक्टर 16 को चंडीगढ़ में एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक घर है जो पिछले कई दशक से वीरान पड़ा है। कहा जाता है एक लड़की की मौत के बाद उसकी आत्मा इसी घर में भटक रही है। आते जाते लोगों को चीखने चिल्लाने जैसी आवाजें भी इस घर से अक्सर सुनाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ का इतिहास 8000 सालों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है? जी हाँ, यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ अंश मिले हैं जिससे ये बात साफ होती है कि इस जगह पर 8000 साल पहले भी लोग रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष चंडीगढ़ शहर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संघोल नाम की जगह से मिले हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान कई बुद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। चंडीगढ़ तक आपको भारत के किसी भी शहर से सीधी ट्रेन या फ्लाइट का सुविधा मिलेगी। नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर राज्यों से बस की सुविधा भी चंडीगढ़ तक उपलब्ध है। चंडीगढ़ को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय इस शहर में बिताएं। अब बताते हैं कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे चंडीगढ़ की सैर पर। दोस्तों, आप अगर अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में लगभग 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और यहाँ आपको कम से कम पैसों में होटल मिल जाएगा रहने के लिए। तो दोस्तों, ये थी एक खूबसूरत और मनमोहक शहर चंडीगढ़ की कहानी। आप में से अगर कोई है चंडीगढ़ से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।